हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले नए 5G स्मार्टफोन के बारे में। Realme की तरफ से Realme 10 सीरीज बहुत ही जल्दी इनिशिएट होने वाली है एंड इस सीरीज के पहले बैच में आपको दो नए स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिल सकते हैं। दो नए स्मार्टफोन्स रहेंगे Realme 10 Pro एंड Realme 10 Pro Plus। Realme 10 Pro को लेकर के तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन Realme 10 Pro Plus मल्टीपल सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर देखा गया है एंड पारस गुगलानी जी, जो कि एक बहुत ही ट्रस्टेड टिप्स्टर हैं, उनकी तरफ से इस स्मार्टफोन से जुड़े लगभग सारे स्पेसिफिकेशंस रिवील कर दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में बात करते हैं Realme 10 Pro Plus से जुड़ी सारी चीजों के बारे में। जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी तक निकल करके आई है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। क्या क्या पॉसिबल स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं, क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, कब लॉन्च होने वाला है, किस प्राइस पॉइंट पर आ सकता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे बिना किसी देरी के। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हो, लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बातचीत को और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। पारस गुगलानी जी की तरफ से जो चीजें रिवील करी गई है उसमें केवल एक ही चीज रिवील नहीं करी गई है एंड दैट इज फोन का बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन। बाकी सारी चीजें बता दी गई है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो यहां पर आपको ग्लास बिल्ड मिल सकता है, ग्लास फ्रंट, ग्लास बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है। Realme 9 Pro Plus के अंदर भी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी थी, यहां पर भी आपको बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया मिलने वाली है। तो बिल्ड क्वालिटी में तो डेफिनेटली आपको शिकायत नहीं आएगी एंड डिजाइन की अगर बात करें तो Realme अपने डिजाइन में हमेशा कुछ ना कुछ नया करता है और इस बार भी आपको कुछ ना कुछ नया ही देखने के लिए मिलेगा। डिजाइन पैटर्न की अगर बात करें तो वही टॉप लेफ्ट में आपको कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर 3 कैमरास की हाउसिंग रहेगी, LED फ्लैश आपको मिल जाएगा, Realme की ब्रांडिंग मिल जाएगी। फ्रंट में डेफिनेटली आपको टॉप लेफ्ट में पंच होल देखने के लिए मिलेगा, पतले पतले से बेजल्स होंगे, पतली सी चिन आपको देखने को मिलेगी एंड कलर्स रिवील करे गए हैं। ब्लैक कलर आपको मिलेगा, लाइट ब्लू कलर मिलेगा, डार्क ब्लू कलर मिल सकता है, ऐसे कुछ 3-4 अलग अलग कलर्स में फोन देखने के लिए मिल सकता है। सो यस, बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वैसे तो रिवील नहीं हुई है, लेकिन ये जो फोन है बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में शिकायत नहीं देगा। डिस्प्ले की अगर बात करेंगे तो वही 6.43 इंचेस का डिस्प्ले यहां पर आपको मिल सकता है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आएगा एंड सुपर AMOLED पैनल यहां पर आपको मिलेगा। मतलब डिस्प्ले क्वालिटी कंटेंट वॉचिंग के लिए बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि 8-bit का पैनल यहां पर आपको मिलेगा, 10-bit का पैनल नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी कंटेंट वॉचिंग के एक्सपीरियंस में आपको शिकायत नहीं आएगी, कलर्स वगैरह आपको अच्छे मिलेंगे। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो यहां पर आपको मिलेगा, 411 PPI की पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन रहेगा, साथ ही साथ HDR10+ का भी सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। सो मेरे हिसाब से कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद में ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे तो समवेयर अराउंड 800 निट्स के आसपास आपको ब्राइटनेस मिलेगी, तो विजिबिलिटी भी बढ़िया रहने वाली है। इंडोर विजिबिलिटी, आउटडोर विजिबिलिटी दोनों बढ़िया रहेंगी एंड रिफ्रेश रेट की अगर बात करें तो पिछले मॉडल के कंपैरिजन में, 9 प्रो प्लस के कंपैरिजन में हायर रिफ्रेश रेट यहां पर आपको मिलेगा। वहां पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया था, लेकिन यहां पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा एंड 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा। तो डिस्प्ले क्वालिटी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी मिलने वाली है, डिस्प्ले क्वालिटी में आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी। परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो इस फोन के अंदर आपको एकदम नया नवेला प्रोसेसर मिलेगा एंड दैट विल बी MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर है रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अभी तक किसी भी फोन में हमको देखने के लिए नहीं मिला है। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, एनर्जी एफिशिएंट रहेगा, हीटिंग का इशू आपको बहुत कम देगा। डायमेंसिटी 920 जो पिछले वाले वर्जन में मिला था वो भी काफी एनर्जी एफिशिएंट था, तो यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला जो प्रोसेसर है एनर्जी एफिशिएंट भी रहेगा एंड हीटिंग का इशू भी आपको काफी कम देगा। रॉ सीपीयू परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो 2.6 GHz की पीक क्लॉक स्पीड यहां पर आपको मिलती है, 2 A78 वाले कोर्स मिलते हैं। डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी, वहां पर आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए ARM वाली G68MC4 GPU मिलेगा, जो कि 4 कोर का GPU और गेमिंग आपको बहुत अच्छी करा देगा, ग्राफिक रिलेटेड टास्क भी आपके बहुत अच्छे तरीके से निपटा देगा, तो परफॉर्मेंस में आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी। LPDDR4X RAM के साथ में UFS 3.1 वाला स्टोरेज आपको इस बार देखने को मिल सकता है। सो यस, मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस का सेगमेंट सेटल्ड रहने वाला है, वहां पर आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की अगर बात करें तो कैमरा सेटअप में आपको बहुत बड़े डिफरेंसेस देखने के लिए शायद यहां पर नहीं मिलेंगे, वैसा ही कैमरा सेटअप यहां पर आपको मिलेगा जैसा Realme 9 Pro Plus के अंदर दिया गया था। 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ में, साथ ही में 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो या मोनो कैमरा, 3 कैमरास पीछे की तरफ रहेंगे। सेंसर को अपग्रेड किया जाएगा या सोनी IMX766 ही मिलेगा, इस चीज को लेकर के अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सोनी IMX766 तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो कैमरा में आपको शिकायत नहीं आएगी। 9 Pro Plus का कैमरा भी बहुत अच्छा था, यहां पर भी कैमरा सेटअप आपको बढ़िया मिलने वाला है।
फोर के वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल सकता है एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो कैमरा सेटअप में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली है, कैमरा सेटअप बहुत अच्छा मिलने वाला है, नाइट फोटोग्राफी भी इस कैमरा के साथ में बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद में बैटरी की अगर बात करेंगे तो 5000mAh की बैटरी मिलेगी, तो बैटरी का साइज पिछले मॉडल के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा यहां पर आपको मिलने वाला है। 5000mAh की बैटरी रहेगी, 65W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा, 65W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, ये अच्छी बात है। 5000mAh की बैटरी, 6 नैनोमीटर का चिपसेट, AMOLED का डिस्प्ले, तो बैकअप आपको बहुत सॉलिड मिलेगा, बैकअप में आपको शिकायत नहीं आने वाली है एंड चार्जिंग स्पीड भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, 65W की चार्जिंग कोई कम नहीं होती है भाई, सो बैटरी मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आने वाली है एंड यस चार्जर आपको इनबॉक्स भी देखने के लिए मिलेगा, ये काफी अच्छी बात है, सो बैटरी मॉड्यूल में शिकायत नहीं आएगी। चार्ज करने के लिए यूएसबी टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, 3.5mm जैक भी मिलेगा। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करेंगे तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलेगा, फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिल जाएगा और छूटर पुटर इधर उधर के लगभग सारे सेंसर मिलेंगे। साथ ही साथ यहां पर आपको इंटीग्रेटेड हार्ट रेट सेंसर भी देखने के लिए मिलेगा, सो यस कुछ एक्स्ट्रा सेंसर्स आपको मिलेंगे, सेंसर्स में कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो स्मार्टफोन है एंड्रॉइड 13 पर आपको मिल सकता है आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में रियलमी UI का लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाएगा और रियलमी UI का एक्सपीरियंस भाई साहब हमेशा से अच्छा रहता है, ब्लोटवेयर्स हालांकि मिलते हैं लेकिन अनस्टॉल हो जाते हैं लेकिन क्लीन एक्सपीरियंस रहता है, तो सॉफ्टवेयर सेगमेंट में आपको शिकायत नहीं आने वाली है, सॉफ्टवेयर सेगमेंट बढ़िया रहने वाला है। स्पीकर्स की अगर बात करेंगे तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी यहां पर आपको मिलेंगे, ऑडियो क्वालिटी बढ़िया मिलने वाली है, लाउड बैलेंस्ड ऑडियो क्वालिटी मिलेगी, सो वहां भी आपको शिकायत नहीं आएगी। इनफैक्ट ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस फोन का अच्छा रहेगा, डिस्प्ले भी बढ़िया है, स्पीकर्स भी बढ़िया है, तो मूवीज वगैरह देखने में, कंटेंट वगैरह देखने में आपको मजा आएगा। एंड कार्ड स्लॉट की अगर बात करें तो इस फोन के अंदर आपको कार्ड स्लॉट देखने के लिए नहीं मिलेगा, 2 नैनो सिम आप लगा पाएंगे लेकिन एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन यहां पर आपको नहीं मिलेगा। ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशंस को देखे जाए तो स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे हैं, फोन के नए प्रोसेसर के साथ में आएगा, अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ में आएगा, कुछ अपग्रेड्स के साथ में आने वाला है। वेरिएंट्स की अगर बात करेंगे तो 3 वेरिएंट्स में फोन लॉन्च किया जा सकता है, 6+128, 8+128 एंड 8+256, 3 वेरिएंट्स में फोन लॉन्च किया जा सकता है। प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो वही समवेयर अराउंड 25,000 ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में लॉन्च होने वाला है। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई, हाँ कब लॉन्च होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल के अंत तक या 2023 की स्टार्टिंग में ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, इन्हीं स्पेसिफिकेशंस के साथ में इस स्मार्टफोन को किस प्राइस पॉइंट पर आप खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।